नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 30 अगस्त के सुबह 11 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 3 अनोखे बदलाव होने वाले हैं। ज्यादा दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय सोमवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन भगवान शिव जी के नाम से अर्पित है और यह समय इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में ये 3 बड़े बदलाव आपको खुश करने वाले होंगे। ज्यादा दोस्तों आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगे, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार से होंगे जिनसे आपका समय बदल जाएगा। ज्यादा दोस्तों आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपके घर से जुड़े सभी प्रकार की कष्टों से आपको निजात मिलने वाले हैं। ज्यादा दोस्तों आपको बता दें कि करियर के क्षेत्र में भी यश में आपको बड़े खुशखबरियों की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको एक क्षेत्र को लेकर सावधान रहने होंगे। ज्यादा दोस्तों तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको यह कौन क्षेत्र है जहां पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरु जी का भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ऐसे में परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी जिंदगी से कुछ राहत भी इसमें आपको प्राप्त होगा। दोस्तों युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी जो भी कार्य है, जो भी प्लानिंग है, वह इसमें कर सकते हैं। ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों पेशे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी रहेगी, परंतु दोपहर के बाद स्थिति जो है सुलझ जाएगी। किसी भी बात पर जो है विश्वास करने से पहले उसके बारे में आपको इसमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहिए, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों के साथ संबंध को इसमें मधुर बनाकर रखें, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा लिए गए प्रयत्नों को यश मिलने के लिए और वक्त लग सकता है। अत्यधिक बातों में ये जो समय है आपके लिए, आप रुचि भी ले सकते हैं। आपके अंदर की कला को पेश करने के अवसर भी इसमें आपको प्राप्त हो सकते हैं। लोगों के साथ मेलजोल बना रहने की वजह से भी आपका जो जन संपर्क का दायरा है वह भी इसमें बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे, दोस्तों यश में उससे संबंधित अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बन रही है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी आपके ऊपर यश में बना रहेगा। दोस्तों किसी नजदीकी संबंधी द्वारा आपको कोई शुभ सूचना मिलने से आपके मन बहुत अधिक प्रसन्न भी रह सकता है। साथ ही दोस्तों किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है, परंतु उत्तेजित होने के बजाय आपको यश में शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों इनसे समस्या का समाधान भी इसमें आपको प्राप्त होगा। शॉपिंग आदि करते समय आपको अपने बजट का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपका फोकस बढ़ने की वजह से काम संबंधित जो भी बातें हैं आप जो है वक्त पर पूरे भी कर पाएंगे। दोस्तों खुद के जो भी काम है उनके प्रति आपका रुचि बढ़ना और एकाग्रता रहना आपको इसमें आर्थिक प्रगति दिलाने वाले हैं, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें और काम पर अपना ध्यान को केंद्रित रखें। आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दिन भर व्यवस्था बनी रहेगी, मेहमान नवाजी तथा मौज मस्ती में भी कुछ में व्यतीत होगा। सूझबूझ से लिए गए जो भी निर्णय होंगे यश में आर्थिक रूप से आपको और अधिक मजबूती प्रदान करने वाले हैं।
दोस्तों काम को जो है पूरा करने के प्रति उत्साह भी इसमें आपके ऊपर बना रहेगा और आप पूरा जोश और भरकश के साथ कार्यों को इसमें कर भी पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता भी इसमें आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी भी आपको पड़ सकती है, परंतु अपने बजट का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। चचेरे भाई बहनों के साथ भी किसी छोटी सी बात को लेकर संबंधों में खटास आ सकती है। बेहतर होगा कि ज़्यादा बाद में ना पड़े और इनसे आप दूर ही रहें तो आपके लिए इसमें आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के जो भी काम है या फिर घर संबंधी जो भी आपका कर्जा है इसमें कम होगा। दोस्तों आप पर जो बने हुए आर्थिक संकट है उनका तनाव भी इसमें आपके ऊपर जो है कम रहेगा। लेकिन दोस्तों इसका जीवन शैली या फिर परिवार पर असर नहीं होगा। करीबी मित्र के द्वारा आपको मदद भी इसमें मिल सकती है और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करना होगा आपके लिए और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अपने संपर्कों का जो दायरा है और अधिक विस्तृत करें आपके लिए ये जो है फायदेमंद रहेंगे। महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति के लोगों के साथ उत्तम समय भी इसमें व्यतीत होगा। दोस्तों इसमें में इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से उत्साह भरा माहौल भी रहेगा और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि अपरिचितों लोगों से व्यवहार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा दोस्तों आपका कोई नुकसान भी कर सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से जो मानसिक तकलीफ आपको सता रही थी दोस्तों वह इसमें दूर होने लगेंगी। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। साथ ही दोस्तों मन की जो प्रसन्नता है इनकी वजह से खुद के प्रति और अधिक अपने जीवन के प्रति आपका सकारात्मकता बढ़ेगी, जिसके द्वारा दोस्तों आप जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी पर विश्वास इसमें ज़्यादा न करें। बेहतर होगा कि दोस्तों अपनी उपस्थिति में ही सभी कार्यों को पूरे करवाएं। दोस्तों विद्यार्थियों को भी किसी जो है विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे, जिससे आपका मन भी इसमें प्रसन्न रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी निर्णय आपको इसमें स्वयं लेने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को स्वयं ही लें। किसी की मदद के बजाय आप स्वयं ही सभी कार्यों को करने में इसमें सक्षम भी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम में जो है इसमें आप रुचि ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अन्यथा दोस्तों मुश्किलें आपके ऊपर आ सकती है, इससे आप परेशान भी हो सकते हैं, तो इनसे आप इसमें बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि व्यवसायिक गतिविधियाँ पूर्ववत ही रहेंगी। पब्लिक डीलिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य में इसमें आपके अधिक से अधिक के समय भी व्यतीत होंगे। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। गुस्से की वजह से कोई भी आपका काम बिगड़ सकता है, तो दोस्तों इसमें इनसे आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्यस्थल तथा नौकरी में आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी प्रेम और भी सामंजस्य भी उत्तम बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण इसमें खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को इसमें विवाह में परिणित होने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों इसमें पारिवारिक स्वीकृति इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में दिन भर की व्यवस्था के बावजूद भी परिवार के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा, परंतु विवाहतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। इनका दुष्प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों काम की अधिकता की वजह से कभी कभी तनाव और थकान हावी रहेंगे। बेहतर होगा कि कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे।
आज के उपरांतों से यश में आपके स्वाद के लिए जुम्मे होंगे। आपको बता दें कि सुस्ती और थकान तो हावी रहेंगे ही, तथा दोस्तों काम को करने में आपका मन भी इससे कम लगेगा। मेडिटेशन तथा ध्यान करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, तो दोस्तों इन पर भी आप यश में ध्यान दे सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की भी आशंका लग रही है, लापरवाही ना बरतें तथा तुरंत इनका इलाज करें। दोस्तों ये जो सभी चीज़ें हैं ये जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहना होगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे।